अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं चंद्र ओझा अनूपगढ़ ज्योति से। वीरवार की रात्रि को 1:15 बजे दो अज्ञात बदमाश युवकों द्वारा गार्ड की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर एटीएम लूटने का प्रयास किया गया। आइए इस संबंध में थाना प्रभारी विजय मीना का क्या कहना है, सुनिए। प्रकाश डाले थे रात को करीबन 1:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि HDFC बैंक में जो ATM लूट का प्रयास हुआ है, उसके मौके पे मैं पहुंचा, DO पहुंचा और बैंक मैनेजर साहब और गार्ड भी पहुंचे। तो उससे पूछताछ की गई, सभी ATM को चेक किया गया, नाकाबंदी कराई गई और संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया गया है। अब इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, इस तरह पूछताछ की जा रही है, CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं, तो तुरंत ही मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें गार्ड द्वारा बताया गया है कि बंदूक की नोक पे प्रयास हुआ है, कुछ ऐसा भी है सर कुछ सामने है? अभी ये बता रहा है, अभी इसकी तस्दीक की जाएगी, बंदूक की नोक पे थी रात को, क्या है कोशिश में तो अभी पास क्या होगा, क्या है कि नहीं है। विस्तृत समाचार सुनिए। बीती रात दो अज्ञात बदमाश युवकों ने HDFC बैंक पब्लिक पार्क के सामने ATM के गार्ड को कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर ATM को लूटने का प्रयास किया और राड के द्वारा ATM को उखाड़ने का भी प्रयास किया गया। CCTV कैमरा जो ATM के अंदर लगा हुआ था उसको और उसके अलार्म को भी तोड़ डाला, लेकिन गार्ड ने शोर मचाया तो दोनों युवक भाग खड़े हुए और फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी, लेकिन अभी तक उन युवकों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। लुटेरे ATM को लूटने में एस्पर रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण पुलिस की मुस्तैदी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि पुलिस की चारों तरफ गश्त होने के बावजूद भी इन दो युवकों ने ATM को लूटने का प्रयास किया। गौरतलब है कि पब्लिक पार्क के चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आए दिन वहां ऐसी घटना होती रहती है। कभी मोटरसाइकिल चोरी हो गए तो कभी मार पिटाई और कभी कुछ ऐसे आपराधिक कृत्य होने से लोगों में पब्लिक पार्क के आसपास जाने में भी भय का महसूस होता है।